बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, पीएचपी में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने किस्म के डाटा टाइप्स हैं और किस तरह से हम उनसे काम ले सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट डाटा टाइप पर बढ़ते हैं जो कि है अरेज। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात जो है वो कॉशन देना चाहता हूँ कि ये इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड भी, इसलिए इंतहाई गौर से वीडियो को देखिए, इंतहाई गौर से इंस्ट्रक्शन को सुनिए। सम टाइम हो सकता है कि आपको एक मरतबा वीडियो को देखने पर बात समझना आए, तो दो मरतबा, तीन मरतबा, जितनी मरतबा भी आप वीडियो देखना चाहें देखिए, जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता कि अरेज क्या है और ये किस तरह से काम करती हैं, आगे मत बढ़िए। सबसे पहले हमें देखना है व्यूअर्स के अरेज होती क्या है। व्यूअर्स, आम तौर पर आप देख चुके हैं कि हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं पीएचपी में, और हम वेरिएबल को कोई एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जबकि अरेज इस किस्म के वेरिएबल्स हैं जिसमें हम एक वेरिएबल को बहुत सारी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और फिर उन वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक कारोबार है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास। अगर आप उन तमाम एम्प्लॉयज़ का के नाम जो है वो स्टोर करना चाहते हैं अपने पीएचपी फाइल के अंदर, तो एक तरीका तो ये है कि तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए उनके नाम के साथ साथ एक वेरिएबल बनाएं, क्योंकि एक वेरिएबल तो एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसलिए अगर आपके मुलाजमीन 100 हैं तो आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे ताकि उनके नाम स्टोर किए जा सके। दूसरा तरीका ये है व्यूअर्स के आप अरेज का इस्तेमाल करें, और अरेज का इस्तेमाल करके आप उन तमाम मुलाजमीन के नाम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अरेज को किस तरह से बनाते हैं। इस वीडियो में मैं इंतहाई सादा किस्म की एक अरे जनरेट करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि उनकी वैल्यूज़ को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, एको करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं बेसिक जो हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है वो टाइप कर लेता हूँ अपना। जी व्यूअर्स, मैंने बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर टाइप कर लिया, और अब इसमें एम्बेड करवाने के लिए पीएचपी का कोड, मैं पीएचपी का ओपनिंग टैग इंसर्ट करता हूँ और साथ ही मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और उस वेरिएबल में मैं अरे को इंसर्ट करूँगा। तो व्यूअर्स, मैं इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ अरे वन, और इसकी वैल्यू रखता हूँ इज इक्वल टू अरे, और व्यूअर्स छोटी ब्रैकेट के अंदर हमें उन तमाम वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। मिसाल के तौर पर पहले मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू की मदद से आपको अरे समझाता हूँ। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, नाइन, 34, 55। व्यूअर्स, हमने एक अरे जनरेट की है और उस अरे का नाम है अरे वन, और बेसिकली हमने वो अरे जो है वो एक वेरिएबल को असाइन कर दी है, और इस अरे में ये तमाम वैल्यूज मौजूद हैं 55, 34, 9, 7, 6, 5, 4। हमने कॉमा को जो है सेपरेटर के तौर पे यूज किया। जब आप एक कॉमा इंसर्ट करते हैं इट मींस कि अरे की दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, हमने एक अरे जनरेट की, सेमी कॉलन का जो है मैं साइन इंसर्ट करता हूँ, और इसके बाद पीएचपी का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करता हूँ। व्यूअर्स, इसके बाद मुझे अरे को डिस्प्ले कराना है, इको कराना है, तो मुझे इसमें से जो भी वैल्यू चाहिए मैं उस वैल्यू का जो है वो पॉकेट नंबर डिक्लेयर करूंगा। पॉकेट नंबर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बेसिकली हम इसे अरे पोजीशन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक अरे को डिफरेंट वैल्यूज असाइन की है। अगर हम काउंट करें तो बेसिकली मैंने इस अरे को तकरीबन 7 वैल्यूज असाइन की हैं, और इन 7 वैल्यूज में से हर एक वैल्यू की एक पोजीशन है जिसे हम अरे पोजीशन कहते हैं। मसलन 4, एक पोजीशन 4 की है, एक 5 की, एक 6 की है, और इनको हम नंबर्स की मदद से भी जो है वो सीक्वेंस में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपकी 4 वैल्यू है अरे की, ये हमारे पास अरे वैल्यू जो है अरे पोजीशन नंबर 0 पर मौजूद है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि जितनी भी पोजीशंस हैं वो अगर आप देखना चाहें तो मसलन 4 जो है बज़ाहिर आपको पोजीशन नंबर 1 पर नज़र आ रहा है, 5 आपको पोजीशन नंबर 2 पे, 6 आपको पोजीशन नंबर 3 पे नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरेज में पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि जो 4 की पोजीशन है वो 0 पे है, 5 पोजीशन नंबर 1 पे है, 6 पोजीशन नंबर 3 पे है, 2 पे है। तो अब हम एको करवा के देखते हैं, अगर हमें इन अरे में से किसी एक वैल्यू को एको कराना है तो हम कैसे एको कराएंगे। मैं पीएचपी का स्टार्टिंग जो है वो टैग लगाता हूं, उसके बाद एको वार अरे वन, और साथ ही मुझे पोजीशन बतानी होगी मुझे कौन सी पोजीशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन नंबर 4 देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं व्यूअर्स, उसमें मैं पोजीशन नंबर 4 लिखता हूं, सेमी कॉलन इंसर्ट करता हूं, और पीएचपी का क्लोजिंग टैग लगा के इसको मैं सेव कर देता हूं व्यूअर्स अरे के नाम से, अरे डॉट पीएचपी, और सेव एज टाइप में से मैं पीएचपी फाइल टाइप को सेलेक्ट कर देता हूं।
और इसे मैं सेव कर देता हूँ। व्यूअर्स, इसको सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाके देखता हूँ कि ये किस तरह से हमें अपीयर हो रहा है। पूरा मुझे एड्रेस लिखना पड़ेगा, array.php। और व्यूअर्स देखिए, हमें जो वैल्यू नजर आ रही है वो है 9। मैंने कौन सी वैल्यू एको करवाई थी व्यूअर्स? मैंने करवाई थी एको वैल्यू नंबर 4, यानी पोजीशन 4। हमारे पास अगर हम तरतीब से देखें तो पोजीशन नंबर 4 जो बनती है 4, 5, 6, 7 की बनती है, लेकिन जब हमने 4 को एको करवाया तो उसने वैल्यू हमें जो दी है वो 9 की दी है। उसकी वजह ये है व्यूअर्स, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अरेज में, पीएचपी में जब आप अरेज यूज करते हैं तो अरेज की पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। इट मींस कि अगर मुझे 9 वैल्यू चाहिए, मुझे 7 वैल्यू चाहिए, तो मुझे फिर 4 नहीं बल्कि 3 की पोजीशन इंसर्ट करनी होगी। इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पर 0 कर देता हूँ। 0 की सूरत में जो वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ F5 की मदद से, और देखिए अब हमारे पास वैल्यू नंबर 4 जो है वो अपीयर हो रही है। व्यूअर्स, इसी तरह से आप टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं अरेज के अंदर। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, मैं एक br का टैग लगा देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए हमारे पास कोड। मैं एक और एरे जनरेट करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ एरे 2, और इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ एरे, और फिर मुझे साथ ही एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं जो मैं असाइन करना चाहता हूँ, मसलन असलम कॉमा अमजद कॉमा। व्यूअर्स, आप यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि मैंने जब नंबर्स असाइन किए एरेज को तो मैंने उसमें इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग्स असाइन करनी है, यानी आपने कोई टेक्स्ट जो है वो इंटर करना है, तो फिर उस सूरत में आपको इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह मैं एक और वैल्यू असाइन करता हूँ एरे को, अवैस वकास, और फिर मैं इसको एरे को बंद करता हूँ। और उसके बाद व्यूअर्स मैं एको करवाता हूँ, अगर मुझे अमजद का नाम एको करवाना है तो मुझे यहाँ पर जो अपने कर्ली अपने स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखना होगी, वो पोजीशन जो लिखना होगी, वो पोजीशन नंबर मुझे 1 लिखना होगी। तो हम मैं यही काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इस लाइन को, ताकि मुझे कोड दोबारा ना लिखना पड़े, और फिर इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और रे को यहाँ पे मैं रे नंबर 2 में से मैं चूँकि वैल्यू चाहिए, और इसमें से पोजिशन मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं इस एरे के पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अवैस आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अवैस है, हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरी पोजीशन पे है, लेकिन मैं जैसे आपसे पहले कहा कि अरेज जो है वो जब 0 पोजीशन से स्टार्ट हो जाती है। व्यूअर्स, अरेज की कम्प्लेक्सिटी और इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने अरेज के फंक्शन को कई वीडियोज में स्प्लिट किया है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा बाय स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप आप अरेज को अंडरस्टैंड कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता हम पहले देखेंगे हम किस तरह से अरेज बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम अरेज फंक्शन की तरफ चलेंगे।